बिसम अस्सलाम वालेकुम व्यवर्स कैसे हैं आप लोग अफ्तार स्पेशल में आज आप लोगों के लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ और उसको हम बनाएंगे इस तरीके से कि हमारा टाइम बच जाए और हम जल्दी जल्दी से उसको बना भी लें और असेंबल भी कर लें तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी आज हम बना रहे हैं शॉर्मा पॉकेट्स जिसके लिए मैंने सबसे पहले डोज की तैयार करनी है डो के लिए एक पाव मैंने मैदा लिया है यानी दो सौ पचास ग्राम उसमें दो टेबल स्पून चीनी वन टी स्पून नमक वन टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और ये जो इंस्टेंट यीस्ट होता है इसका हमने इसमें वन टेबल स्पून ऐड करना है और लेना है नीम गर्म दूध हाफ कप तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके इसको इस तरह से हाफ़ कप नीम गर्म दूध से हम इसको गूंदना शुरू करेंगे और जब ये दूध अगर गूंदने के लिए कम पड़ गया तो मज़ीद हम इसमें गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी हँसवे ज़रूरत तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करते जाएँ और इसको इस तरह से अच्छे से करते जाएँ मिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसमें मैं एक टेबल स्पून ऑयल और शामिल कर रही हूँ टोटल यानी दो टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा चले जी अब ये हमने जो है इसको निकाल लिया है बाउल से और इसको अपने टेबल को ग्रीस करें और उसके ऊपर अपनी डो को निकाल के अब आपने अपने हाथों की पूरी ताकत इस पर आजमानी है तो इस तरह से अपनी हथेलियों से इसको मल मल के गूंदना है ताकि इसमें जो खमीर का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर ही तब ही आपकी डो जो है परफेक्ट रेडी होगी तो इस तरह से जब तक ये स्मूद और सॉफ्ट डो ना हो जाए आप इसे गूंदे पाँच सात मिनट इस पे मेहनत करें और उसके बाद एक बॉल को करें ग्रीस और ग्रीस इसको ऊपर तक बड़े साइज़ का ज़रा बाउल लें और उसको ऊपर तक ग्रीस करने के बाद इसमें हम अपनी डोर रख देंगे और उसको कवर करके ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ इसको हवा ना लगे और अब बाकी का यीस्ट हमने ज़ाया नहीं करना है इसको सेव करेंगे इस तरह से इसके खुले हिस्से को आपने थोड़ी सी हीट पहुंचानी है ताकि ये मेल्ट हो जाए और फिर हाथ से दबाते हुए हम इसे दोबारा से सील कर देंगे ये एयर टाइट हो गया अब ये कभी भी आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं ये वेस्ट नहीं होगा चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन को आप इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लें और उसके बाद पैन में दो टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ले लें इसमें एक छोटी प्याज को मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है और इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पिंक करना है और इसमें शामिल कर दी है लहसुन अदरक पेस्ट वन टी लहसन अदरक पेस्ट शामिल कर दी और सिर्फ एक मिनट लहसन अदरक पेस्ट को भून लेने के बाद अब इसमें हम अपने चिकन चिकन भी हमने इसमें शामिल कर देना है और चिकन को जस्ट इतनी देर हमने कुक करना है जब तक ये वाइट हो जाए अपना कलर चेंज कर ले एक से दो मिनट में ही ये अपना कलर चेंज कर लेगा और अब हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च डालनी है इसमें हाफ टी स्पून हाफ़ टी स्पून फैज़ीरा नमक हँसवे जायका पीसा हुआ सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून इसके अलावा इसमें हम पीसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे वन टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे उसके अलावा इसमें लीम का रस हमने डालना है दो टेबल स्पून अगर लीम का रस ना हो तो उसे आप उसकी जगह आप सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारे स्पाइसेस इसमें हमने मिक्स करके तो अब इसे कवर कर देना है ताकि ये चिकन अपना पानी भी छोड़े इसी चिकन के पानी में ये जो है सारा चिकन गल जाए तो कवर करके पाँच से सात मिनट तक इसे छोड़ दें और जब ये सारा पानी ड्राई हो गया तो चिकन को अच्छे से भून कर इसमें हमने इस तरह से कटी हुई वेजिटेबल्स भी इसी के अंदर से शामिल कर देनी है इसमें मैंने बंद गोभी गाजर शिमला मिर्च डाली है आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं और अब बस तीन से चार मिनट वेजिटेबल को कुक करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे हमारी फिलिंग रेडी है और अब चलते हैं सॉसेज़ की तरफ और मायनेज़ और चिली गार्लिक सॉस हमें अलग अलग, अलग, अलग अलग लगाने की जहमत नहीं करनी पड़े इसके लिए इन दोनों को भी मैंने मिक्स करके रख लिया है डो को दो घंटे हो गए और ये अच्छी तरह से फूल गई है अब हम इसको बेल लेंगे इसके दो तरीके हैं या तो आप पहले से ही छोटे छोटे पेड़े बनाकर छोटी छोटी रोटियाँ बेल लें या फिर सारी डो को एक दफ़ा ही बेल लें फुली और किसी भी कुकी uh, कटर के साथ मैं कट कर रही हूँ लेकिन अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप कोई ग्लास ले ले कोई बाउल ले ले आप किसी भी जार का ढक्कन ले ले उसके साथ इस तरह से छोटी चोट छोटी सी रोटियाँ इसकी कट करके रख ले और अब इसे तवे पर हमने हल्की आँच पर सेक लेना है तो uh, ये तवे पर मैंने कोई इसको ग्रीस उरीस नहीं किया है सादा तवे पर हम इसको सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छा सा कुक कर लेंगे और लें जी हमारी सारी रोटियां तैयार हैं अब हम इसे कट करेंगे किसी भी छुरी के साथ हाफ तक इस तरह से आप कट लगाने के बाद फिर छुरी की नोक से अंदर डीप भी कर लें ताकि फिलिंग जो है वो नीचे तक चली जाए तो अब हम इसमें जो हमने दोनों सॉसेस इकट्ठी मिक्स करके रख ली थी ताकि दो दफ़ा हमें पहले मायो और फिर चिली गार्लिक सॉस ना लगानी पड़े एक दफ़ा इस में इसमें हमने अपनी सॉस लगा ली और इसमें हम सलाद का पत्ता शैमल कर देंगे और अपनी फिलिंग भर लेंगे एज सिंपल एज इट इज़ लें जी श्योर पॉकेट्स रेडी टू सर्व हैं आप भी बनाइएगा रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी रिव्यू जरूर दीजिएगा स्टे ब्लस स्टे हैप्पी हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा यकीन करें मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह हाफिज